हेलो एवरीवन, प्रियस कुकिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा बाउल ले लेंगे, उसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा दूध। दूध हमें यहाँ पे ठंडा ही लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे कस्टर्ड पाउडर। उसके बाद हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। कस्टर्ड पाउडर को मिक्स करते हुए इतना याद रखें कि ये दूध के साथ अच्छे से मिल जाना चाहिए और कस्टर्ड के छोटे छोटे पीसेस नहीं रहने चाहिए। यहाँ पे दूसरी साइड में गैस में हम लोग एक पतीला ले लेंगे और उसमें हम लोग डाल लेंगे 750 ml दूध। तो यहाँ पे दूध मैंने हमारे हिसाब से लिया है, आप अपने हिसाब से ले लें। आप जितना दूध लें उस हिसाब से आप कस्टर्ड पाउडर भी ले लें। तो यहाँ पे जैसे दूध को हम अच्छे से उबाल लेंगे। जैसे ही दूध उबल जाए हम इसमें डाल लेंगे चीनी। चीनी भी यहाँ पे मैंने हमारे हिसाब से लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीनी डाल लें। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको और थोड़ी देर उबाल लेंगे। उबलने के बाद हमने जो कस्टर्ड पाउडर और ठंडे दूध का मिक्सचर बना के रखा था उसको हम इसमें डाल लेंगे। उसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए हमें इसको गाढ़ा करना है, दूध को उबाल लेना है अच्छे से और गाढ़ा कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे दूध अच्छे से उबल चुका है और ये बिल्कुल ही गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके गैस को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक और बाउल में। जैसे ही ये ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे कटे हुए फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने डाल लिया है पहले कटा हुआ सेब या एप्पल, कटे हुए अंगूर या ग्रेप्स, कटे हुए मैंगो या आम, कटे हुए बनाना या केला, पोमोग्रेनेट सीड्स या अनार के दाने। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसमें और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो सबको ठंडा खाने का मन तो करता ही है। तो इसको ठंडा होने के लिए अब हम इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे और ये ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे एक छोटे से बाउल में और इसको एंजॉय करेंगे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। कमेंट्स के थ्रू मुझको ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।